डिस्कस द लीवरवॉर्ट्स एंड द मॉसेस. लीवरवॉर्ट्स और मॉसेस जो है ब्रायोफाइट्स के ही टाइप हैं. तो पहले हम लीवरवॉर्ट्स डिस्कस करते हैं. द लीवरवॉर्ट्स ग्रो यूजली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज द बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मर्शी ग्राउंड, डैम सॉइल्स, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स. तो ये देखिए, जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ब्रायोफाइट्स की पढ़ी थी ना, वही सारी चीज़ें लीवरवॉर्ट्स और मॉसेस में आपको हाफ हाफ देखने को मिलेंगी. ठीक है, तो जो लीवरवॉर्ट्स होते हैं वो मॉइस्ट एरियाज़ में, शेडी हैबिटेट्स में, बैंक ऑफ स्ट्रीम जो स्ट्रीम्स हैं उनके किनारे पे, मार्शी ग्राउंड्स जो दलदल वाले इलाके होते हैं, डैम सॉइल मॉइस्चर वाली सॉइल, या बार्क ऑफ ट्री जो उसमें मॉइस्चर होता है उसमें ग्रो करते हैं. ठीक है, द प्लांट बॉडी ऑफ अ लीवरवॉर्ट इज थायरॉइड. थायरॉइड का मतलब मैंने आपको बताया था, व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेम लीव्स एंड रूट, उसको थायरॉइड कहते हैं. ठीक है, तो प्लांट बॉडी इनकी थायरॉइड टाइप की होती है जिसमें हम रूट शूट और लीव्स का पता नहीं लगा सकते, बट इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्लांट जैसा ही होता है, बट फिर भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. द थैलस इज डॉर्सो वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रस्ड इन द सबस्ट्रेट. डॉर्सो वेंट्रल मतलब कि सबस्ट्रेट के साथ में डॉर्सरी वेंट, डॉर्सो मतलब कि नीचे की तरफ जो होता है वो एज अ सबस्ट्रेट नहीं वहाँ पे प्रेजेंट रहता है. द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स. जो इनके लीफी मेंबर्स होते हैं वो एक उनके छोटे से एक टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो कि रोज में प्रेजेंट होती है उनके स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स में. ठीक है, जो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है उनमें ये जुड़े रहते हैं छोटे छोटे से टाइनी लीफ अपेंडेजेस. अब इनका रिप्रोडक्शन देखते हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवॉर्ट्स टेक प्लेस बाय द फ्रैगमेंटेशन ऑफ द थैलाई. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनका मोड क्या हुआ, बाय द फ्रैगमेंटेशन दे रिप्रोड्यूस्ड एंड दिस दे आर फॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द जेमी. जेमी आर द ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जेमा कप्स. जो जेमी होती हैं वो एक ग्रीन कलर की मल्टी सेलुलर और एसेक्सुअल बडिंग बड्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो कि स्मॉल रिसेप्टिकल्स में डेवलप होते हैं, उनको क्या कहते हैं, जेमा कप. जेमा कप्स आर लोकेटेड इन द थैलाई. और जेमा कप कहाँ लोकेटेड होते हैं, थैलस में लोकेटेड होते हैं. द जेमी बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल. तो जो जेमा कप्स पे जो जेमी होते हैं वो मतलब डेवलप होते हैं, और जब थोड़े से ये ग्रो कर जाते हैं तो ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और फिर एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया इनका एसेक्सुअल मेथड. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ईदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई. जो जैसे कि आपने फ्लावर्स में मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स जो होता है वो एक ही में भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है. तो सेम इसमें भी है कि एक ही थैलस में भी हो सकता है और डिफरेंट थैलस में भी हो सकते हैं. द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सेटा एंड द कैप्स्यूल. जो इनका स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइट जो स्पोर्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं उनमें आप देखोगे तो ये तीन चीज़ों में डिवाइडेड होते हैं, फूड उनका बीच वाला स्ट्रक्चर, सेटा एंड द जो उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड अ कैप्स्यूल. आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्स्यूल एंड दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स. तो मियोसिस की प्रोसेस होती है इनके अंदर जो स्पोर्स में प्रेजेंट होते हैं कैप्सूल के अंदर, उसके बाद फिर मियोसिस की प्रोसेस के बाद और सारे स्पोर्स बन जाते हैं जिसकी बाद स्पोर्स जो है फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स में चेंज हो जाते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लीवरवॉर्ट्स. अब हम देखते हैं मॉसेस के बारे में. तो मॉसेस क्या है, द प्रेडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस. जो मॉसेस होते हैं इनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है. मतलब गैमेटोफाइट के स्टेज में गैमेटोफाइट में ये चेंज हो जाते हैं और ये इनकी दो स्टेजेस होती हैं. द फर्स्ट स्टेज को हम प्रोटीनमा कहते हैं और सेकंड स्टेज को हम लीफी स्टेज कहते हैं. तो अब देखते हैं प्रोटीनमा और लीफी स्टेज क्या है.
द फर्स्ट स्टेज इज़ द प्रोटीनमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर. तो जो इनकी पहली जो स्टेज है प्रोटीनमा है, जिसमें जो स्पोर्स जो होते हैं वो जिसमें जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, स्पोर में चेंज होता है. इट इज़ अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटियस स्टेज. इस स्टेज में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो कैसा होता है, क्रीपिंग यानी कि रेंगने वाला होता है, ग्रीन कलर के होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और फिलामेंटियस स्टेज होती है, ये फिलामेंट्स टाइप के काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है इनका. द सेकेंड स्टेज इज़ द लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनियमा एज अ लेटरल बड. उसके बाद और सेकेंड स्टेज क्या होती है इनकी, लीफी स्टेज होती है जो कि प्रोटीनमा सेकेंडरी प्रोटीनमा में एज अ लेटरल बड डेवलप होती है. ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स. ये सीधे खड़े होते हैं, इरेक्ट होते हैं. इनकी जो एक्सेस होती है वो स्लेंडर शेप की होती है जिसमें स्पायरल फॉर्म में जो लीव्स होती हैं वो अरेंज्ड होती हैं. दे आर अटैच्ड टू द सॉयल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजॉइड्स. ये एक राइजॉइड एक रिजिड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं. ये जो है अटैच होते हैं मल्टी सेलर है या ब्रांच राइजॉइड्स के साथ भी ये अपने आप को अटैच करते हैं. दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स. इस स्टेज में इनके पास सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन दी सेकेंडरी प्रोटियोमा. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होती है, जब फ्रेगमेंटेशन और बडिंग की प्रोसेस होती है इनकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन दी सेकेंडरी प्रोटीनमा. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होते हैं, ये लीफी शूट्स के एपेक्स में प्रोड्यूस होते हैं. ठीक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इंटू द स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ एन फूड सेटा एंड कैप्सूल. इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जाइगोट फॉर्म होता है. जाइगोट जो होता है स्पोरोफाइट में चेंज होता है, और स्पोरोफाइट के क्या स्ट्रक्चर है उसमें स्पोरोफाइट्स में आप फूड सेटा और कैप्सूल देखने को आपको मिलेगा. द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलैबोरेट देन दैट इन लीवरवुड्स. जो स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो मॉसेस में ज़्यादा इलैबोरेट यानी कि ज़्यादा बड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं एज कम्पेयर टू द लिवर वुड्स. द कैप्सूल कंटेन्स द स्पोर. इनके जो कैप्सूल्स होते हैं इन कैप्सूल्स के अंदर ही क्या होता है, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस. और स्पोर का फॉर्म होते हैं जब इनके अंदर कैप्सूल्स के अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है, उसके बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. द मॉसेस हैव एन इलेबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मॉसेस आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फिंगनम. ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉसेस. तो आई होप कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हुई होगी. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ब्रायोफाइट्स की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और पिक्चर्स भी देख लेते हैं हम. देखिए ब्रायोफाइट में जो पिक्चर नंबर ए है वो एक लिवर वॉर्ट है, इसका नाम है मेरेंचेटा चेंटिया. इसमें आप देख सकते हो जो ऊपर का स्ट्रक्चर है आर्किगोनियोफोर, ये एक फीमेल स्ट्रक्चर है. फिर ये गैमा फेक्स है, गैमा कप्स है जहाँ गैम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. और दिस इज़ द राइजोट. राइजोट एक मैंने आपको बताया ना रिजिड सबस्ट्रक्टम होता है जिससे ये अटैच्ड होते हैं. ठीक, फिर नेक्स्ट बी इज़ द मेल थैलस. जो बी की पिक्चर है ये मेल थैलस आप देख रहे हो, इसमें क्या है एंथ्रीडियोपोर. ऊपर एंथ्रीडियोपोर है, ये मैंने बताया था ना एक में भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं. इसमें भी जैमक कप है जहाँ पे स्पोर्ट्स का प्रोडक्शन होता है. मॉसेस के स्ट्रक्चर में देखिए, मॉसेस का स्ट्रक्चर है फ्यूनोरिया, गैमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट. तो इस पर आप देख सकते हो नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो गैमेटोफाइट्स का स्ट्रक्चर है, जो इसकी मेन एक्सेस है वो राइजॉइड्स के साथ में जुड़ी हुई है. इसके बाद एक लीफ लाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स है, फिर एक सेटा यानी कि एक पतली सी डंडी है, और ऊपर एक कैप्सूल है. कैप्सूल्स के अंदर ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. दिस इज़ द स्फैंगन
गैमेटोफाइट। इसमें आप देख सकते हो आर्कियोगोनियल ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ब्रांचेस है, और ये ऊपर जो एंथ्रीडियल ब्रांच है, यानी कि एक ही जो वो है, एक ही स्ट्रक्चर है, उसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमेटोफाइट्स जो है वो प्रेजेंस है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर वॉट एंड द ब्रायोफाइट्स। तो एक बार क्विक रिविज़न कर देते हैं। जो ब्रायोफाइट है उनके अंदर दो ग्रुप्स आते हैं, मॉसेस और लिवर वॉट। ये जनरली जो है मॉइस्ट और शेडेड एरियाज़ और हिल्स में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स को जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। वाई? क्योंकि जो ये प्लांट्स होते हैं ये सॉइल में टेरेस जैसे लिए, मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये प्लांट्स की तरह जो है सॉइल में ग्रो करते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको एक्वेटिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। बिकॉज दे रिलीजिंग देयर गैमेट्स इन द वाटर एंड देन दे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन दे फ्यूज विद ईच अदर। ठीक। दे यूजली अकर एट द डैम ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। ये जनरली जहाँ पर थोड़ी सी डैम्प और ह्यूमिड कंडीशन होती हैं और जहाँ धूप कम आती है, शेडेड लोकेलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। ये प्लांट के सक्सेशन में, मतलब ये आप प्लांट के बारे में जब जानना चाहोगे, देयर इज़ ए कनेक्टिंग लिंक, इसके बारे में आप जानना चाहोगे तो ये प्लांट के सक्सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन ऑफ एल्गी। जो इनकी जो ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट जो बॉडी होती है वो एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है, यानी कि हम थोड़ा पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। अभी आपने देखा था लीफ लाइक का स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा था, ब्रांच स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे थे, है ना। एल्गी में ऐसा नहीं होता है। तो इट इज़ थैलस लाइक हैं, पर ये साथ में प्रोस्टेट और इरेक्ट भी हैं, सीधे खड़े हुए हैं। ठीक। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेक्टम बाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजॉइड। ये जो है एक सबस्ट्रेक्टम यानी एक सॉलिड सपोर्ट के साथ में, लिविंग सॉलिड सपोर्ट के साथ में अटैच्ड होते हैं, जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। दे लैक ट्रू रूट्स स्टेम्स और लीव्स। इनके अंदर ट्रू रूट्स स्टेम्स और लीव्स नहीं होते हैं। इनके अंदर रूट लाइक लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। जो इनका मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है और वो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इनको गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। इन जो सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स में जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं, और जो कि एंथ्रोजोइट्स स्पोर्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो ब्राइफ्लैजलेट होते हैं। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उनको हम आर्कीगोनियम कहते हैं, जो कि फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है और एक सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। ये जो एंथ्रोजोइट्स होते हैं एंथ्रीडियम के द्वारा जो है पानी में रिलीज कर दिए जाते हैं, एंड व्हेन दे कम इन द कॉन्टेक्ट विद द आर्कीगोनियम तो इट फ्यूजेस विद ईच अदर एंड दे प्रोड्यूसेस द जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो उस पहले रिडक्शन डिवीज़न में नहीं जाता है, पहले वो स्पोर्स बनाता है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। ये स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट्स के थ्रू जो है अपना नरिशमेंट जो होता है वो प्राप्त करते हैं। जो स्पोरोफाइट है जब वो स्पोरोफाइट में चेंज हो जाता है तो स्पोरोफाइट फिर रिडक्शन डिवीजन्स के लिए जाते हैं, और रिडक्शन डिवीज़न यानी कि मियोसिस के लिए जाते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो एक नए नए गैमेटोफाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ब्रायोफाइट जो जनरल में इसकी बहुत लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन हाँ जो इसका जो ग्रुप मॉसेस का है वो हर्बेशियस प्लांट्स और बर्ड्स और अदर एनिमल जो है उसको एज अ खाने के काम में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ये है पीट, यानी कि इट इज़ अ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द कोल, जो पीट है इसको फॉर्मेशन में यूज़ करता है, जो कि आगे चल के फ्यूल में चेंज हो जाता है। इसको ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल की ट्रांसशिपमेंट में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इनकी कैपेसिटी है कि दे कैन होल्ड द वाटर। मॉसेस जो होते हैं लाइकेंस के साथ में जब एसोसिएट करते हैं तो दे फॉर्म द कॉलोनीज ऑन द रॉक, तो जिसकी एक बहुत ही ज़्यादा एक इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। क्यों? बिकॉज दे डिकम्पोज द रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर फ्लोरा। क्योंकि इन रॉक्स को ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, जो कि हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी साबित होती है।
ये एक तरीके से डेंस मैट जो है सॉइल के ऊपर बिछा देते हैं, जैसे कि कभी अगर रेन ज़्यादा हो जाए या फ्लड काइंड ऑफ कंडीशन है तो सॉइल एरोजन की प्रोसेस ना हो पाए। ठीक, और ब्रायोफाइट्स के दो ग्रुप्स हैं, लिवर वॉर्ट्स एंड द मॉसेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लिवर वॉर्ट्स एंड द मॉसेस, तो यू हैव टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द लिवर वॉर्ट्स एंड द मॉसेस। क्या बताओगे पहले कि ये लोग, इन दोनों की आपको बहुत स्ट्रक्चर को स्टडी करना है और इसके बाद आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में एक लिंक क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक, इसमें दो स्टेज होती हैं, प्रोटीनमा और लीफी स्टेज, और इसमें क्या होता है जैमी फॉर्म होता है क्योंकि इनके अंदर जैमिन कप्स होते हैं जिसमें जैमी स्पोर्स होता है। तो आप इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इनके रिप्रोडक्शन के वे में आप थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, इनके स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस मिलेगा। तो दैट यू हैव टू डू इट बाय योर ओन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई विल टेल यू इन माय रिवीजन नोट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। फाइन, तो टिल दैट टाइम जस्ट रीड द होल टॉपिक एंड स्टे कनेक्टेड विद द क्लासेस। थैंक यू।